आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। 15 अगस्त 2022 के लिए एक शायरी वाला भाषण बोलना हम लोग सीखेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शायरी बोलेंगे कि जंगे आज़ादी में शहीदों ने लिखी जो कहानी है। जंगे आज़ादी में शहीदों ने लिखी जो कहानी है, उनकी शहादत के दम पर आज़ाद हर हिंदुस्तानी है। उनकी शहादत के दम पर आज़ाद हर हिंदुस्तानी है। फिर उद्बोधन करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय शिक्षक गण, मेरे प्यारे साथियों एवं देशवासियों, आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जंगे आज़ादी में अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए आज़ादी की वर्षगांठ मनाने एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें गुलामी के जंजीरों से आज़ादी मिला था। यह दिन हमें महात्मा गांधी, लाल बाल पाल, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, मंगल पांडे समेत अनेक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ त्याग, तपस्या और बलिदान से प्राप्त हुआ है। फिर आगे एक शायरी बोलेंगे कि सत सत नमन उनको जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया। सत सत नमन उनको जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान किया। आज़ादी की ज्वाला में जल, आज़ादी की ज्वाला में जल, सब कुछ देश के नाम किया। आज़ादी की ज्वाला में जल, सब कुछ देश के नाम किया। हम लोग आगे बोलेंगे, आज 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, उसी समय राष्ट्र को संबोधित करते हैं। संपूर्ण राष्ट्र इस पावन अवसर पर उल्लास से भरा रहता है। स्कूलों और शासकीय कार्यालयों में सुबह सुबह राष्ट्रगान के साथ ही साथ तिरंगा फहराया जाता है। देश भर में गांव, शहर, चौक चौराहों पर देशभक्ति के गीत संगीत बजाए जाते हैं। इस बार हर घर में तिरंगा पहुंचाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर देश की और राज्यों की राजधानी को एवं अन्य शासकीय भवनों को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मित्रों, स्वतंत्र भारत में आज़ादी के इतने वर्षों के सफर को देखें तो पाएंगे कि देश आज भी लिंग भेद, गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण, आतंकवाद आदि अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम सबको इन समस्याओं के खिलाफ आज़ादी की नई जंग लड़नी है। जब तक हम हमारे देश को इन समस्याओं से मुक्त नहीं कर देते, तब तक आज़ादी अधूरी है। आइए इस पावन अवसर पर हम प्रण करें कि हम सब हमारे सपनों का भारत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, तभी श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा, जो फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूँगा। यदि आप लड़की हैं तो यहाँ पे बोलेंगी कि विराम देना चाहूँगी। सबके सपनों का भारत बनाना है, सबके सपनों का भारत बनाना है, सबको बराबरी का हक दिलाना है। सबके सपनों का भारत बनाना है, सबको बराबरी का हक दिलाना है। त्याग तपस्या और बलिदान से, त्याग तपस्या और बलिदान से आज़ादी सब तक पहुंचाना है। त्याग तपस्या और बलिदान से आज़ादी सब तक पहुंचाना है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे 15 अगस्त 2022 को भाषण देने का मौका दिया।